संतान प्रदायक है शिवलिंगी के बीज। बात आज हम ज्ञान दर्शन वनौषध की तरफ से शिवलिंगी करेंगे। शिवलिंगी के बीज संतान प्रदायक हैं। शिवलिंगी हर जगह पाई जाने वाली पौधा है। इसमें हरे रंग के छोटे छोटे गोल कंचे नुमा फल पाए जाते हैं। फल पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं और इनमें 8 सफ़ेद धारियों युक्त फल होते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। शिवलिंगी पुत्र प्रदायक संतान प्रदायक भी है। शिवलिंगी के बीजों को हम खूब अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद शिवलिंगी के बीजों को धो डालते हैं। धोने के बाद हम इनको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद मिक्सी मशीन में खूब महीन बारीक पीस कर 1 ग्राम शिवलिंगी के बीज अगर पुत्र की प्राप्ति करने के लिए खाए जाते हैं तो बछिया वाली गाय के दूध के साथ शिवलिंगी के बीज पीस कर 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम 21 दिनों तक यूज करने से पुत्र प्राप्ति होती है। अगर शिवलिंगी के बीजों को हम बछड़े वाली गाय से प्रयोग करेंगे तो बेटी की प्राप्ति के लिए शिवलिंगी के बीजों को 21 दिनों कर सुबह शाम 1-1 ग्राम की मात्रा में खाएं तो लाभ होता है। शिवलिंगी के बीज हर तरह से संतान प्रदायक हैं। शिवलिंगी हर जगह पाई जाती है। शिवलिंगी की जड़ को हम पुष्प नक्षत्र योग में अगर घर को लाते हैं और कमर में बांधने पर प्रसव के समय प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाता है। शिवलिंगी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शिवलिंगी के बीजों को हम हर तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। शिवलिंगी बहुत ही फायदेमंद है। शिवलिंगी हर जगह पाई जाती है। शिवलिंगी को हम संतान प्रदायक पुत्र प्रदायक कहते हैं। शिवलिंगी हर जगह पाई जाती है। पुत्रदाता बीज और शिवलिंगी के बीजों को अगर हम दोनों को मिक्सर मशीन में पीसकर सम भाग में लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होती है। शिवलिंगी हर जगह पाई जाती है। शिवलिंगी एक तरह से नेचुरल औषध है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अधिक मात्रा में लेने से इसका स्वाद कड़वा होता है और पित्त शामक होती है। पित्त की पथरी जिन लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया है उनको शिवलिंगी के बीज नहीं लेना चाहिए। पित्त शामक लीवर के रोगों में जिनको लीवर का रोग है उनको शिवलिंगी के बीज नहीं लाने चाहिए। अगर लेना चाहिए तो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम दिनों तक शिवलिंगी के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिवलिंगी पुत्रदायक संतानदायक शिवलिंगी पित्त शामक लीवर के रोगों में भी फायदेमंद है। ये हर तरह से नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज्ञान दर्शन वन औषध चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको बार बार हर तरह की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। धन्यवाद। ज्ञान दर्शन वन औषध की तरह से शिवलिंगी का प्रयोग जिस तरह से बतलाया गया है दोस्तों उसी तरह से करें। धन्यवाद। शिवलिंगी बहुत ही लाभदायक है बांझपन के रोग में।